हेलो फ्रेंड्स, मैं बिन्नी कालरा। मेरे चैनल मदर डिलाइट्स में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के कोफ्ते, वो भी बिना प्याज बिना लहसुन के सिंपल ग्रेवी के साथ। के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपके सामने है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू गोभी के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले ये ग्रेट की हुई गोभी एक बाउल में डालेंगे। अब इसमें बॉईल करके ग्रेट किए हुए आलू डालेंगे, इससे हमारी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। बेसन ऐड करेंगे, नमक डालेंगे। नमक ध्यान से डालना है क्योंकि हमने ग्रेवी में भी नमक डालना है। धनिया पाउडर डालेंगे, इसी ये अदरक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करके इसका डो बनाएंगे। आप बेसन की जगह कॉर्नफ्लोर मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए बेसन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और ये डो को लेके इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए, ऐसे ही सारी बना लेंगे। ये हमारे सारे बॉल्स बनके रेडी हैं। अब मैंने एक पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम एक एक करके इसको डालेंगे। हल्के हाथों से हिलाएंगे, तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। ये देखिए, ये हमारे सब तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए, अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर है। इसी तरह बाकी भी फ्राई कर लेंगे। ये हमारे बाकी भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। गैस बंद कर देंगे। ये देखिए, सारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। ये रेसिपी हम बिल्कुल सिंपल ग्रेवी के साथ बना रहे हैं, तो इसमें सिर्फ मैं टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का ही इस्तेमाल करूंगी। ये टमाटर का साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो मैंने 3 टमाटर लिए हैं। अगर आपने जो टमाटर लिए हैं उनका साइज़ छोटा है, तो आप इसकी जगह 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इनका मिक्सी में पेस्ट बना लूँगी। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है। अब इसमें जीरा डालेंगे, हल्दी डालेंगे, धनिया डालेंगे। अब हम इसमें जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो डालेंगे। मिक्स करेंगे, लाल मिर्च डालेंगे, और मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला तेल नहीं छोड़ देता। मसाला भून चुका है हमारा। ये देखिए, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। हम इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, कसूरी मेथी डालेंगे,
और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से गाढ़ी पतली कैसे भी कर सकते हैं। वैसे कोफ्तों की ग्रेवी पतली ही होनी चाहिए क्योंकि वो बाद में पड़ी पड़ी गाढ़ी हो जाती है। इसको एक उबाला आने देंगे। ग्रेवी उबल गई है, अब हम इसमें एक चम्मच बेसन पानी में घोल के डालेंगे, मिक्स करेंगे। अब इसे ढककर धीमी आंच पर 2 से 4 मिनट तक पकाएंगे। पाँच मिनट हो गए हैं और हमारी ग्रेवी एकदम रेडी हो गई है। ये देखिए, ना पतली है ना गाढ़ी है। अब हम गैस बंद कर देंगे। ये जो हमारे कोफ्ते हैं ये बहुत नरम है, अगर हम इसे अभी कढ़ाई में डाल देंगे तो ये ग्रेवी गर्म होने की वजह से बिल्कुल घुल जाएंगे। तो इसमें हम दो तरीके से इसको सर्व कर सकते हैं, या तो हम ग्रेवी को बाउल में डाल लें और बाद में कोफ्ते डालें, और या हम कोफ्ते पहले डाल दें बाउल में और उसके ऊपर ग्रेवी डालें। तो मैं पहले बाउल में ग्रेवी डालूंगी, उसके बाद में ऊपर से कोफ्ते डाल दूंगी। अगर आप आलू गोभी की सब्जी खा के ऊब गए हैं तो यकीन मानिए आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए एकदम परफेक्ट बनी है। आप इसको ऊपर इसको धनिए से गार्निश कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। एंजॉय, बाय बाय।